साथ लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। साथियों, 20वीं सदी के 50 साल और 21वीं सदी के 15-20 साल हमें दशकों पुरानी समस्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही थी। किसी भी देश के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं में उलझाकर जाएंगे तो देश के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के युवाओं के भले के लिए, सारे राजनीतिक प्रपंचों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हूं। मैं इन लोगों की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो सके। मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े होकर के झेल रहा हूं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस स्थिति से गुजरना न पड़े। मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को इन परिस्थितियों में अटकाए रखने के लिए तैयार नहीं हूं। आजकल ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ लें, मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है और ये लोग बदलते हुए भारत को समझ ही नहीं पाए हैं। साथियों, अनेकों समस्याओं की बेड़ियों में जकड़ा हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और बेड़ियों को भी तोड़ रहे हैं। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब ऐसी अनेक समस्याओं से हमें देश को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्याओं से ये मुक्ति ही इस दशक में नए भारत को सशक्त करेगी। जब देश पुरानी समस्याओं को समाप्त करके आगे बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी खिल उठेगा। भारत की ऊर्जा वहां लगेगी जहां लगनी चाहिए। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को, युवा भारत को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें मिलकर एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत बनाना है। साथियों, वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है, ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा है। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। आइए कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें। समस्याओं के समाधान के आगे अब राष्ट्र निर्माण की नई मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है। इन मंजिलों पर हम मिलकर पहुंचेंगे जरूर।